महत्वपूर्ण खबर सामने आई। मुख्यमंत्री नायब सैनी अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ अयोध्या रवाना हो गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी अयोध्या रवाना हुए हैं। तमाम मंत्री और विधायकों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा अयोध्या। अयोध्या रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बयान भी दिया, कहा ये सौभाग्य की बात है, भगवान रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। रामलला आज दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान है। दुनिया भर से लोग दर्शन के लिए अयोध्या आ रहे हैं। आज हम सब भी रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत लगातार हर जिले से बसें अयोध्या जा रही हैं। इसके तहत बुजुर्गों को रामलला और अन्य तीर्थों पर लेकर जा रहे हैं। जो श्रमिक जाना चाहते हैं उनको भी दर्शन करवाएंगे। हरियाणा में धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार सरकार कर रही है। कुरुक्षेत्र, जिसे लैंड ऑफ गीता कहा जाता है, कुरुक्षेत्र में 250 करोड़ की लागत से कार्य चल रहा है। देश विदेश से यात्री बड़ी संख्या में कुरुक्षेत्र आते हैं। हमारी सरकार टूरिज्म को बढ़ावा देने का काम कर रही है। जंगल सफारी की भी शुरुआत की जा रही है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, उसके माध्यम से लगातार हर जिले से बसें जा रही हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन से हैं, ऐसे लोगों को हमने तीर्थ भ्रमण यात्रा के तहत उनको अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करें, अन्य तीर्थ स्थलों के ऊपर भी जाएं, ऐसी व्यवस्था वो की है। गरीब व्यक्ति है जिसकी आय 1,80,000 से कम है और वो नहीं जा सकता, सरकार उसको योजनाबद्ध तरीके से एक मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से उनको वहाँ पर घुमाने का काम कर रही है। और लगातार हर डिस्ट्रिक्ट से, हर स्थान से, जहाँ पर भी मैं भी जा रहा हूँ या अन्य और भी बसें जा रही हैं, उसको झंडी दिखा करके वहाँ रवाना करते हैं। और लोगों में इस बात को लेकर के बड़ा संतोष है कि सरकार ने इस प्रकार की योजना के माध्यम से हमें भगवान श्री राम के तीर्थों के दर्शन कराने का जो मौका दिया है, उनमें बड़ा संतोष इस बात का है। नहीं, देखिए, हमारा कुरुक्षेत्र भी जहाँ भगवान श्री कृष्ण की धरा है, जहाँ जिसको लैंड ऑफ गीता भी बोलते हैं, और जिस भूमि के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुखारबिंद से गीता का संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया, उस भूमि के ऊपर लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से काम चल रहा है। चाहे हमारा पंचकुला में माता मनसा देवी का तीर्थ स्थल है, ये ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है, चाहे हमारा नरडा साहब में जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी स्वयं जो वहाँ पर रुके थे, वो भी हमारा तीर्थ स्थल है, और चाहे हमारा गुरुग्राम के अंदर माता शीतला, जिसके अंदर हर वर्ष लाखों की संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, ऐसे सब तीर्थ स्थलों के जीर्णोद्धार के कार्यों को गति से आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार टूरिज्म को भी बढ़ाने का निरंतर कार्य कर रही है। अभी गुरुग्राम के अंदर एक जंगल बड़ा, उसको भी डेवलप करने का काम वो हमारी सरकार कर रही है, ताकि लोग टूरिज्म की दृष्टि से वो हरियाणा के अंदर भी आएं। चाहे हमारा मोरनी हिल की बात हो, वहाँ पर भी हमने टूरिज्म की दृष्टि से उसको आगे बढ़ाने का पिछले दिनों कार्य किया था और उसका लाभ भी लोग ले रहे हैं। भारी संख्या में लोग टूरिज्म की दृष्टि से हरियाणा के अंदर भी आ रहे हैं।